नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S20 या फिर 5G के बारे में। दोस्तों इस फोन में एक नया अपडेट आ चुका है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सैमसंग के दोस्तों जो अच्छे डिवाइस होते हैं उनमें हमें टाइम पर अपडेट मिलता रहता है। दोस्तों हमेशा की तरह इस फोन में इस बार भी अपडेट आ चुका है। दोस्तों इस अपडेट में क्या नया देखने को मिलता है जो मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ, और साथ ही दोस्तों बताऊँगा कि ये अपडेट कितने MB का है और इस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में कुछ चेंज होगा या फिर नहीं। तो दोस्तों सबको बताऊंगा इस वीडियो में, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस फोन में हमें एक नया अपडेट मिल चुका है। तो इस अपडेट की सबसे पहले साइज की बात करता हूँ दोस्तों, तो वो है 204 MB का। अब आप उससे ही पता लगा सकते हो कि 204 MB में दोस्तों हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। ये जो अपडेट है इससे सिर्फ हमारे फ़ोन का सिक्योरिटी पेज लेवल चेंज हो सकता है। दोस्तों इसमें हमारे सिक्योरिटी पेज लेवल चेंज हो चुका है, वो हो गया है 1 अक्टूबर का, और बाकी हमारे फ़ोन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बट हाँ दोस्तों, एक दो जो बक्स होते हैं छोटे मोटे वो फिक्स कर दिए गए हैं। तो अगर आपके पास ये फ़ोन है S20 या फिर 5G और आपके फ़ोन में ये अपडेट आ गया है तो आप इस अपडेट को कर लो, क्योंकि अगर आप इसके बाद कोई और अपडेट आया तो फिर भी आपको पहले ये अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको दूसरा वाला अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट आ चुका है तो आप इसे फटाफट से कर लो और अपने फ़ोन का सिक्योरिटी पेज लेवल जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपको लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।